टेंग्रामस। मॉर्निंग কতটুকু রয়েছে? আধাটা তো হয়ে গেল। স্যার, গুড মর্নিং। হ্যালো, কোন হে মোহক? ওকে, ইউ হ্যাভ নট টেকেন ব্রেক? গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং বেটা। চন্দ্র স্যার, ইউ আর দ্য হোস্ট নাও, ইউ ক্যান শেয়ার। हाँ जी सर, प्रॉब्लम आपके उधर से ही मुझे लग रहा है, कुछ सेटिंग वेटिंग रहा होगा। अच्छा, पता नहीं मनदीप सर ने कुछ क्या किया, पता उन्होंने मैसेज किया था ना अभी। हो रहा है, चलिए ठीक है। ध्यान नहीं हो रही स्क्रीन शेयरिंग। हेलो चंदा सर, हेलो। यस सर, मंदीप। हाँ जी मंदीप सर, देव सर बोल रहे हैं। देव सर, एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए आप। एक मिनट, बना दिया सर। स्क्रीन दिख रही थी ना सर, हाँ जी सर, चंद्रशेखर सर की भी हो गई थी ना। हाँ उनकी भी हो गई। एक्चुअली सर मैं भी शेयर कर पा ठीक रहा है, था, उनकी तरफ से ही नहीं हो रहा था। नहीं मैंने कर दिया, सेटिंग्स चेंज कर दी सारी। अच्छा, एक सर वो पार्टिसिपेंट शेयर कर रहे, तो उसमें पार्टिसिपेंट शेयरिंग बंद कर दिया मैंने, अच्छा, ठीक है अब नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है ठीक है, एनोटेशन ऑफ कर दिया, पार्टिसिपेंट्स की शेयरिंग बंद कर दी। ठीक है सर, ओके।
सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Okay, welcome back to all after break. Now, please join the class fast. Okay, student, please come fast. Okay, student, हमने last session में अभी जो अभी fourth session था हमारा, sorry third session था, उसमें हमने कुछ discuss करा था हमने. लेकिन अब हम अपनी एक्सरसाइज को मूव ऑन करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके, और एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन 2.5 था, हमने 2.5 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे. टुडे वी हैव टू स्टार्ट 15 फ्रॉम 15 क्वेश्चन. ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. इट्स अ 15 क्वेश्चन, इट्स ऑन द स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है. किसी अगर अभी एक्सरसाइज में किसी को डाउट है तो ये दो क्वेश्चन बचे हैं, इनको फिनिश करके हम आपकी डाउट्स लेंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी गिवन है. क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और उसमें एक्सप्रेशन बताना है क्या? लेंथ और ब्रेथ का. तो स्टूडेंट हमें सिंपल से क्या करना है, इसके फैक्टराइज कर लेने और दो ब्रैकेट लेके आने. दो ब्रैकेट क्यों? जिसमें से एक ब्रैकेट लेंथ हो जाएगा और एक ब्रैकेट ब्रेथ हो जाएगा.
ओके, तो 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन से, अच्छा कौन बताएगा इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा और किस मेथड से होगा? और ओके, जस्ट रेज योर हैंड। यस एनीबडी? यस सलोनी सिंह, सलोनी सिंह ने हैंड रेज करा हुआ है। यस बेटा सलोनी, सही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकता है? मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा बेटा। क्यों, ऐसा क्या आइडिया लगाया आपने कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा? सर क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है। बेटा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं सलोनी सिंह, आपने आइडिया बिल्कुल ठीक लगाया, 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12 कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। मिडिल टर्म स्प्लिट कहां लगता है? जहां पर डिग्री 2 होती है। लेकिन आपको मैं एक रिमार्क्स ये दे दूं कि जरूरी नहीं है हर डिग्री 2 वाला, जो जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म स्प्लिट उसमें हो जाए। लेकिन क्योंकि ये आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको इसके साइड जो डिसएडवांटेजेस है वो भी ध्यान रखना है कि बहुत से क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन ऐसी होती है जो नहीं हो पाती, पॉलिनोमियल ऐसा होता है जो नहीं होती, ठीक है। फिलहाल ये हो जाएगा। अच्छा कैसे होगा और क्या होगा मेरे को बताओ, ऐसे दो नंबर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करके 25 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो फिर सर हम इन, फिर हमें इन्हें प्लस करके मल्टीप्लाई करके 300 आना चाहिए और प्लस करके 35 माइनस 35 आना चाहिए। माइनस 35? यस 35, ओनली हम 35 बोलेंगे, माइनस 35 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 35 बोलेंगे। 35 दो नंबर कौन से होते हैं बेटा? सर 25 इनटू 12 300 से, उसके बाद हम 300 का फैक्टर्स निकालेंगे। ओके ट्राई करो एक बार फटाफट। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 300 आए और प्लस करके 35 आए। तो 300 के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं सर? 2, 2, 3, 5, 5। ओके, फिर इनका जब हम फैक्टर करेंगे तो बेटा उसमें से 3 और 5 को एक साथ ले लेंगे, 3, 5 जा 15। यस सर। और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स बचे उनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है, कुल मिला के 20 आ जाएगा। दो दो नंबर कौन से होंगे? 15 और 20। 15, 20 जा 300 होता है और 15 को 20 में ऐड करेंगे तो 35 आएगा। इज इट क्लियर? ओके यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 25 a स्क्वायर माइनस 15 माइनस 20 हो जाएगा। 20 प्लस 15 लिखो, 15 प्लस 20 लिखो, डजंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 15 है, माइनस का 28 प्लस 12 हो जाएगा। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा हमारे दो ब्रैकेट निकल जाएंगे, 5a माइनस 4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3। तो इसमें से एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कौन सी लेंथ और कौन सी ब्रेथ है। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके क्लियर है सबको? यस सर। कुछ बच्चे लेट आए हैं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले देखूं कि कुछ बच्चे, यस बहुत से बच्चे लेट आए हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है इस बार इस सेशन में, तो मैं आपको बता देता हूँ 15 क्वेश्चन में सिंपल सी एक एक्सप्रेशन दे रखी है और उसमें ये पूछा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिनोट करता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिनोट करता है। यस बेटा संध्या, प्लीज सलोनी बेटा म्यूट योरसेल्फ। यस बेटा संध्या, यू रेज योर हैंड। I'm explaining it, बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, यही हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसमें क्या करा गया बेटा, 15 क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दे रही है जो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 25 a स्क्वायर माइनस 35 a प्लस 12। ये क्या है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और हमें ये बताना है इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होगी। तो बेटा कुछ नहीं करना है इस एक्सप्रेशन को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो एक्सप्रेशन में हाईलाइट कर रहा हूं, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और इसमें इसके लेंथ ऑफ ब्रेथ बताने। तो बेटा हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो ब्रैकेट निकल के आएंगे जिसमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। तो इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे बेटा ऐसे दो नंबर बताने जिन्हें मल्टीप्लाई करके 300 आना चाहिए और प्लस करके 35, वो दो नंबर होंगे 15 और 10। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कितना बेटा, 35y² - 13y - 12। अगेन एरिया है, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या है बेटा, 35y² - 13y - 12 ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आना चाहिए, 35 की मल्टीप्लाई हमें 12 में करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा बेटा, 420। कितना आएगा, 420। और प्लस करके बेटा कितना, सॉरी माइनस करके कितना आना चाहिए बेटा, 13 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे बेटा, 28 और 15। तो 13 को क्या लिख लेंगे बेटा हम, 28 - 15। ओके, 28 - 15 ये लिखा हुआ है, 35y² + 13y - 12। तो इसको हम 13 को क्या लिख लेंगे, 28 - 15। और जब सोल्व करेंगे तो 35 और 28 में से बेटा 7 कॉमन आ रहा है और साथ में y कॉमन आ रहा है। पहला ब्रैकेट 5y + 4 बच रहा है, फिर -3 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 5y + 4। अगेन सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 7y - 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5y + 4 बच रहा है। ओके यस बेटा ऋषि मित्तल, ऋषि मित्तल यस बेटा, व्हाट्स योर क्वेरी। ओके बेटा, आई एम नॉट एबल टू अनम्यूट यू। ओके, आप को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप चैट कर सकते हैं, चैट मैसेज कर सकते हैं मेरे को। नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थंबनेल। ओके, वेरी नाइस। अब हमारा लास्ट है, यस मेरे को मैसेज आए हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन टू सेकंड पार्ट एंड दिस इज मंजोत सिंह। ओके मंजोत, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, प्लीज लिसन एंड वॉच इट केयरफुली बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, 35y² - 13y - 12। ये एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल ऑलरेडी दे रखा है, मींस एरिया दे रखा है और हमें इसके लेंथ और ब्रेथ निकालने में, हमें इसका फैक्टर करना है और जो दो ब्रैकेट आएंगे उसमें से एक लेंथ और एक ब्रेथ हो जाएगी। ओके, इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो बेटा मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 35 12 कितना होता है, 420। तो मल्टीप्लाई करके 420 आना चाहिए और माइनस करके 13 आना चाहिए बेटा। ठीक है, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे ऐसे दो नंबर बेटा, वो दो नंबर कौन से होंगे बेटा, वो दो नंबर होंगे आप बेटा, वो दो नंबर होंगे आपके कौन कौन से, 28 और 15। तो 35y² + 13 की जगह क्या लिख लेंगे बेटा, 28 - 15y - 12। तो वो दो नंबर है 28 और 15। जब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 35 हाईलाइट कर देता हूं, इसे 7y कॉमन आ रहा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5y + 4 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में से 3 कॉमन आ रहा है बेटा, 15 और 12 में से 3 कॉमन आ रहा और वेरिएबल कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है।
क्या बचेगा माइनस थ्री ब्रैकेट में फाइव फाइव प्लस फोर। ओके ये था हमारा सेकंड पार्ट और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक ब्रैकेट है सेवन वाई माइनस थ्री, दूसरा ब्रैकेट है बेटा फाइव वाई प्लस फोर। यस बेटा एनी क्वेरी? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 इसको भी देख लेते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है बट ये है आपका क्यूबॉइड के ऊपर। क्या बोला गया है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम आर। हमारे जब मैं इसी बुक को इसमें हाइट दे दूंगा, हमारे पास अभी तक लेंथ और ब्रेथ थी, जब हमने तो ये था लेंथ और ब्रेथ, जब उसके पास हाइट भी आ गई है बेटा, क्या आ गई है हाइट, इसको हाइट बोलते हैं, तो ये क्या हो गया है क्यूबॉइड हो गया है। ओके क्यूबॉइड में तीन चीजें होती है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, मीन्स इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कितने ब्रैकेट बनने चाहिए बेटा थ्री, मीन्स थ्री एक्सप्रेशन होनी चाहिए, थ्री एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है विच इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है तो फर्स्ट लाइन तो रिमेन सेम है, सॉल्यूशन पार्ट को मैं ग्रीन कलर से करता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स, तो साथ में वेरिएबल है तो वन पावर बाहर आ गया, आ गया अंदर क्या बचा बेटा एक्स माइनस फोर। तो हमारे पास तीन चीजें हो गई, थ्री एक एक्स और एक ब्रैकेट, क्या कहा थ्री टर्म्स हो गई हमारे पास, एक थ्री एक एक्स और एक एक्स माइनस फोर, तो इसमें से एक लेंथ है एक ब्रेथ है और इन्होंने लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है सॉल्यूशन में लेंथ, सबसे पहले लेंथ है तो लेंथ को थ्री मान लिया, ब्रेथ को एक्स मान लिया और हाइट को एक्स माइनस फोर मान लिया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट बेटा क्या है, अगेन द वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है इसमें भी, इसमें क्या करेंगे बेटा वॉल्यूम इस बार ट्वेल्व के वाई स्क्वायर प्लस एट के वाई माइनस, ग्रीन कलर में। ओके ग्रीन कलर में आपका क्वेश्चन है, इसमें बेटा सब में देखा जाए तो क्या कॉमन है, के कॉमन है, अगर हम के कॉमन लेंगे बेटा क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से कॉमन बन एक्सप्रेशन बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगा के ब्रैकेट में ट्वेल्व वाई स्क्वायर माइनस प्लस एट वाई माइनस ट्वेंटी, क्या बनेगा बच्चों ट्वेल्व वाई स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस ट्वेंटी, के बाहर ले लिया हमने क्योंकि के सब टर्म्स के साथ था। ओके आफ्टर दैट क्या करेंगे, आफ्टर दैट के कॉमन निकालने के बाद बेटा अंदर क्या बच रहा है ट्वेल्व वाई स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस ट्वेंटी, अब इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, क्यों कैसे पता चला मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है बेटा, क्योंकि अंदर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री टू है। ठीक है तो के ब्रैकेट के बाहर था ट्वेल्व वाई स्क्वायर प्लस अप्लाई करके क्या है ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर मीन्स टू हंड्रेड फोर्टी। ओके मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए स्टूडेंट ट्वेंटी, तो वो दो नंबर कौन से होंगे ट्वेंटी और ट्वेल्व, ट्वेंटी टू ट्वेल्व जा कितना होता है टू फोर्टी और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 8, और जब इसको सॉल्व करेंगे आगे को तो हमारा आंसर निकल आएगा। इज इट क्लियर? कैसे करेंगे देखो, k ब्रैकेट से बाहर ले लिया था, अंदर क्या बच रहा है ब्रैकेट के, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है 12y स्क्वायर और
8 को क्या लिख लिया हमने, माइनस 12y प्लस 20y माइनस 20। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, माइनस 12y प्लस 20 लिखो या 20y माइनस 12 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर k रह गई और अंदर क्या हो जाएगा बेटा, 12y स्क्वायर, और 12y में से क्या कॉमन आ रहा है, 12 तो i आ ही रहा है कॉमन, साथ में वेरिएबल y कॉमन आ गया। ओके ये था हमारा पहला ब्रैकेट बन गया। दूसरे ब्रैकेट में बेटा 20 कॉमन आ रहा है तो वहां पे भी y माइनस y हो जाएगा। सिमिलरली y माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में, दोनों टर्म में से y माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जब y माइनस 1 कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा बेटा, 12y प्लस 20y माइनस 1। और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 4 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 और बाहर ले लिया तो 4k पहले ब्रैकेट में 3y प्लस 5 y माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। बेटा देखो नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है इसको एक बार दोबारा देख लो। इसमें जो हमारे पास ये आया है कि k 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20, ओके इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। तो k 12y स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके 240 आना चाहिए और माइनस करके 8 आना चाहिए, तो वो दो नंबर कौन से होंगे बेटा, 12 एंड 20। 20 12 जाओ 240 होता है और इनका डिफरेंस कितना होता है बेटा, 8 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस वाले स्टेप में जो लास्ट वाला कलर हो रखा है, हाईलाइट हो रखा है, k 12y ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, y माइनस 1 प्लस 20 भी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो y माइनस 1। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों में से y माइनस 1 कॉमन आ गया तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बेटा, 12y जो पहला ब्रैकेट है बेटा उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आया तो बेटा 4k हो जाएगा बाहर और अंदर क्या होगा, 3y प्लस 5, क्योंकि 4 कॉमन लिया तो 3y प्लस 5 हो जाएगा और दूसरा ब्रैकेट रिमेन सेम y माइनस 1 होगा। तो हमारे पास तीन टर्म कौन कौन सी आ गई बेटा, एक 4k, एक 3y प्लस 5 और एक y माइनस 1। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। ओके अच्छा जिसको एक क्वेश्चन समझ में आया प्लीज गिव मी अ थंबनेल, अदरवाइज मूव ऑन करते हैं। एक बार आप करोगे बेटा सब समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आता समझ में तो कोई बात नहीं, आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन। प्लीज गिव मी अ थंबनेल। यस ओनली फ्यू थंबनेल, it's very bad, means you people are not active. Okay, now I'm getting thumbnails. Okay, बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने पहले भी बताया था, एक दिन पहले बोला था, अभी हम सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी से करना पड़ रहा है, कभी हमें डिविजन मेथड से करना पड़ रहा है, कभी हमें आइडेंटिटीज, कभी हमें मिडल टर्म स्प्लिट से करना पड़ रहा है, तो हम बड़े प्रॉब्लम है, करे तो क्या करे, जब क्योंकि क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो बेटा वहां पे ये एक्सरसाइज पर्टिकुलर नहीं होगी, अभी आपके पास पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। अभी जो एक्सरसाइज है वो आपकी क्या है, आइडेंटिटीज की यूज करके है, एक आइडेंटिटी यूज करके थी, एक डिविजन मेथड करके थी, तो आपको पता था हाँ कि इस क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है अब आपकी, अब तक खिचड़ी पक रही थी लेकिन अब हम उसे स्पेशल डिश बनाएंगे, ठीक है, वो आपकी फेवरेट होगी जो भी होगी, किसी को पनीर पसंद है, जिसको जो पसंद है वो बनाएगा, लेकिन बना के छोड़ूंगा मैं। क्यों? क्योंकि फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है, मुझे भले इसमें 3 दिन 4 दिन और देने पड़े। ओके पहली बात बेटा, फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन के हमने 3 या 4 मेथड पढ़े हैं, एक मेथड अभी पढ़ा भी नहीं है, बल्कि ग्रुपिंग मेथड जिसे बोलते हैं, जिसमें से कॉमन निकालना करते हैं, कॉमन निकाल के फैक्टराइज करते हैं, वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उसके साइड बुक में, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैंने बहुत पढ़ा है लेकिन आपको होना है, जस्ट एक स्टेप पीछे ही है बस हम। ओके अब बेटा जिसकी पहले तो क्वेरीज हैं वो क्वेरीज फिनिश करते हैं पहले, ठीक है, तो वन बाय वन
अब आप अपनी क्वेरीज पूछने के लिए हैंड रेस करेंगे, ठीक है, और मेरे पास क्वेरीज जो आएंगी मैं वन बाय वन सॉल्व करूंगा उन्हें. यस, रेज योर हैंड फॉर योर क्वेरीज. कोई सी भी क्वेरी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसको आज ही सॉल्व आउट करते हैं. एनी क्वेरी फ्रॉम दिस एक्सरसाइज और फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइजेस. देखो फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं होता है. जब हम इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे ना, एक दो सेशन अलग से इसके लिए रखेंगे, तो आपको ना अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. अभी इसलिए बहुत से बच्चों का हेक्टिक इसलिए लग रहा होगा क्योंकि कभी हमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी पड़ रही है, कभी कोई, तो अभी सब एक साथ देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा. अच्छा, कोई डाउट्स नहीं है तो, डाउट्स नहीं है तो हम आगे मूव ऑन करते हैं. यस, एनी डाउट फ्रॉम एनी एक्सरसाइज, नॉट ओनली फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, ऑल्सो फ्रॉम प्रीवियस वन. ओके, आप पूछ सकते हैं. चलो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गिव मी अ थंबनेल. प्रॉब्लम्स नहीं है तो प्लीज गिव मी अ थंबनेल. ओके, आई गॉट फर्स्ट ऑफ सलोनी सिंह, अनुष्का अरोरा, वंश शर्मा, अनिका तलवार, संध्या एंड मैनी मोर, मंजोत सिंह आल्सो, अनुषा सैफी, ओमकार साही. ओके, आई एम गेटिंग मैनी मोर थंबनेल्स, मीन्स जो एक्टिव है वो मीन्स उनको समझ में आ रहा है. प्लीज अदर स्टूडेंट जो हैं लेकिन ना वो थंबनेल दे रहे हैं ना उनको कोई क्वेरी है, प्लीज डोंट डू दैट. आपका ही लॉस है बेटा. ओके, तो स्टूडेंट मैं अब एक वीडियो चलाने जा रहा हूं, ठीक है. वीडियो में क्या है, फैक्टराइजेशन का एक समअप है, मीन्स समरी है, उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है. ये जो वीडियो है मैं इसको कल भी चलाऊंगा, लेकिन आज मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि अभी हमने फैक्टराइजेशन मीन्स पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो इससे रिलेटेड एक ब्रीफ आपको मैं दे देना चाहता हूँ, ठीक है. इस वीडियो को हम कल भी देखेंगे, फिलहाल अभी देखते हैं. ओके, अच्छा वीडियो चल रही है क्या? प्लीज गिव मी अ थंबनेल. अगर वीडियो चलती हुई दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन. मैं एक बार दोबारा चला रहा हूं, प्लीज आपको थंबनेल देना है जैसी वीडियो चलेगी. मुझे लग रहा है अभी भी नहीं चली है, आप लोगों को विजिबल नहीं हो रही है. बेटा प्लीज अगर आपको विजिबल हो रही है तो प्लीज. ओके, नहीं दिख रही है. वंदित प्रकाश बेटा आप ट्राई करो. और बेटा मेरे को थंबनेल दो. ओके, चैट पढ़ना थोड़ा टिपिकल हो जाता है बार बार. अब दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल लिखा हुआ है और अभी भी नहीं दिख रही है तो प्लीज रेज योर हैंड. यस बेटा वंदित आप बताओ, आप बताओ, आपको नहीं दिख रही थी. प्लीज मैसेज मी. यस इट इज विजिबल, मींस सबको विजिबल हो रही है. मैं ओके, मैं वीडियो चला रहा हूँ, प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखना. जो चीज नहीं समझ में आया प्लीज वहीं पे नोट कर लेना ताकि हम बाद में उसको डिस्कस कर सकें. ओके, हियर वी हैव अ वीडियो. ये वीडियो अबाउट फैक्टराइजेशन के ऊपर है, आइडेंटिटी के ऊपर नहीं है. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में. क्योंकि हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हम इसके एक शॉर्ट समरी पढ़ेंगे आज. एक्चुअली फैक्टराइजेशन होता है जब एक बड़ी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम निकालते हैं तो उसी प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं. फैक्टराइजेशन के मेनली हमने थ्री पार्ट पढ़े, थ्री फॉर्म पढ़ी है. मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन करना, आइडेंटिटी मेथड और डिवीजन मेथड. और एक और मेथड होता है जिसे हम ग्रुपिंग मेथड या कॉमन मेथड भी कहते हैं. ओके, और ये मेथड हमें इन्हीं
सीक्वेंस में हमें अप्लाई करने होते हैं. ओके, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है तो हम पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसमें मिडल टर्म स्प्लिट मेथड तो यूज नहीं हो रहा है. अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आइडेंटिटी मेथड एक बार चेक करके देखेंगे, आफ्टर दैट डिवीजन मेथड, एंड आफ्टर दैट ग्रुपिंग मेथड. ओके, नाउ फैक्टराइजेशन यहाँ पे हमने फोर पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो हम फोर ये जो फोर पार्ट्स है इनका एक एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे. और मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी पहले ही लिख ली है, और हमें पता है यहाँ पे 9 आइडेंटिटीज होती है, और जो सेवंथ आइडेंटिटी है इसकी दो फॉर्म होती है. वो सेकंड फॉर्म अभी लिखी नहीं है इसमें, क्योंकि अभी हमें उसकी नीड नहीं है. तो हम फिलहाल यहाँ पे फैक्टराइजेशन का चार पार्ट्स के सिलेबस में या बुक में नहीं था, इसलिए मैंने इसको भी इसका एग्जांपल भी इंक्लूड करा हुआ है. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड. मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, तो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट, 2. और इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, मींस मिडल टर्म स्प्लिट मेथड कहां लगता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. ओके, नाउ मिडल टर्म स्प्लिट मेथड लगता कैसे है, यहां पे हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर. अगर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 12. मींस हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, ये वाला 7 और मल्टीप्लाई करके 12. वो दो नंबर कौन से होंगे स्टूडेंट, 4 और 3. क्यों 4 और 4 मल्टीप्लाई 3, 12 होता है, और 4 प्लस 3 7 होता है. तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 4x प्लस जो 7 3x, इसी को मिडल टर्म स्प्लिट करना कहते हैं. ब्रैकेट ओपन होगा और बाहर माइनस साइन है, तो जब इसे सुपर आ जाएगा, फिर इस शुरू के दो टर्म्स में से फर्स्ट टू टर्म में से पहले 4 कॉमन आ रहा है, न्यूमेरिकल पार्ट्स में से 4 कॉमन आ रहा है, और वेरिएबल पार्ट में से x कॉमन आ रहा है, तो मींस 4x कॉमन हो गया. 4 3 12x² - 1 मींस हमारे पास कितना बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, 3x - 1. लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, -1, कितना बचेगा, 3x - 1. ओके, क्या होता है कि इसमें डिग्री 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, और ये मेथड कहाँ अप्लाई होता है, जब हमारे पास डिग्री 3 और 3 से ज्यादा हो और उसमें आइडेंटिटी मेथड ना लग पा रहा हो. इसमें कैसे देखेंगे हम, इसमें हमें पहले ही स्टार्टिंग में एक एक्सप्रेशन का एक फैक्टर निकालना होता है, मींस एक ऐसी वैल्यू 0 निकालना होता है, मींस x की ऐसी वैल्यू जिसे इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0. और वो स्टूडेंट प्रोबेबली स्टूडेंट वो नंबर क्या हो सकता है, प्रोबेबली 2 का फैक्टर. 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 2. तो वो नंबर हो सकता है 1 या -1 2 और -2. तो हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से, मींस हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे. अगर x की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्यूब - 2 1 स्क्वायर - 1 प्लस 2. सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये आ जाएगा, मींस 1 से -1 2 से -2 कैंसिल, तो 0 आ गया. तो कुल मिला के x इक्वल टू 1 पुट पूरी एक्सप्रेशन हो गए 0, मींस माइनस वन इसका एक फैक्टर है. स्टूडेंट यहाँ पे हमने x इक्वल टू 1 लिया है, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं, x इक्वल टू 1 के अलावा यहाँ पे कोई और दूसरा फैक्टर भी हो सकता था. ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है. तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था वो था x³ - 2x² - x + 2. तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, x - 1 से डिवाइड कर देंगे. और x माइनस वन से डिवाइड कैसे करेंगे, x की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी हमें, x² में. तो हमारे क्या आ जाएगा, x³ और 1 की माइनस 1 की मल्टीप्लाई भी x² से करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा माइनस का x², दिस इज माइनस एंड दिस बिकम्स 1. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज बात ध्यान में रखनी है कि जब इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं,
क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो इसका रिमाइंडर 100% क्या बचेगा, जीरो। अगर जीरो रिमाइंडर नहीं बचा है, मींस आपने डिवीजन गलत की है। तो माइनस टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर से माइनस एक्स कैरी आ जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस का एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, ये अगेन प्लस और ये माइनस, अगेन कैंसल, माइनस माइनस प्लस, विच इज इक्वल टू माइनस का 2x, और ऊपर से प्लस का 2 कैरी। आफ्टर दैट x की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, माइनस 2x आ जाए, तो माइनस का 2, दैट बिकम्स माइनस 2x प्लस 2, एंड फाइनली दिस बिकम्स 0। ओके स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या पता है कि जो अंदर वाला मींस जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये किसके इक्वल होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, बट रिमाइंडर कितना है, जीरो। ओके, अब ये जो है ये एक बार और फैक्टराइज होगा, कैसे फैक्टराइज होगा, बाय मिडल टर्म स्प्लिट से। मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज करेंगे तो स्टूडेंट कैसे होगा, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 आया और माइनस करके 1, तो नंबर कौन से होंगे, 2 1 जा 2, मींस मल्टीप्लाई करके 2 आ रहे और माइनस करके 1। ओके, यहां पे माइनस 2, और क्योंकि हम ये ब्रैकेट को सोल्व कर रहे थे इससे बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, तो x माइनस 1 ऐसे सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, ये मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, x माइनस 1। फाइनली इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, और यहां से 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 1 कॉमन कह रहे हैं, ये x माइनस 1। इन दोनों ब्रैकेट से x माइनस 2 ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो बचा गया इधर से x और इधर से प्लस 1। फाइनली हमारा आंसर कितना है, x माइनस 1, ये वाला ब्रैकेट हमने पहले लिख लिया, और x माइनस 2। स्टूडेंट हमारा पहली जो फैक्टर्स बन रहे हो कितने बन रहे हैं, x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ये था हमारा डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है हमारा आइडेंटिटी मेथड। आइडेंटिटी मेथड में हम आइडेंटिटी यूज का यूज करते हैं। अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए ट्रिक्स होती है, इसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो हम फिलहाल यहाँ पे एक आइडेंटिटी मेथड, आइडेंटिटी मेथड से हम फैक्टराइज कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, और वो आइडेंटिटीज मैंने ये लिखी हुई हैं सारी एक साथ। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है, 8a³ +